रही है, सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है, सारे फैंस बहुत ज्यादा शदीद गुस्से में और नाराज हैं। और सिर्फ फैंस नाराज नहीं हैं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी मीडिया से बात की है और उनकी बातों से उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनकी मायूसी जो है वो साफ नजर आ रही है। उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उनका कहना था कि कौमी टीम की जो शिकस्त है इस पर बहुत ज्यादा मायूसी है और ये हर लिहाज से मायूसकुन थी। उनका कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जो है अपने लोएस्ट लेवल पे है और क्यों ना कहें वो ये बात जब आपकी टीम यूएसए से हार जाए और फिर इंडिया के खिलाफ जब मैच के पहली इनिंग में लग रहा हो कि आपकी मैच जो आपकी जो टीम है वो हाई स्पिरिट्स में है, दूसरी भी इनिंग अगर आप बात करें तो 13-14 ओवर तक लग रहा हो कि आपकी टीम के हाथ में मैच है और फिर आपकी टीम जो है वो मैच जीत जाए, तो फिर ये कहना तो बनता है। और जो सबसे बड़ी बात उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी वो ये थी कि छोटी सर्जरी से हमें लग रहा था कि काम चल जाएगा लेकिन अब जो है ना लग रहा है कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। स्टूडियो में आई एम ऑनर्ड टू हैव विद मी टू फॉर्मर टेस्ट स्किपर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इंजमामुल हक, सलीम मलिक साहब। इंजी भाई, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि छोटी सर्जरी से लग रहा था कि काम चल जाएगा लेकिन अब जो इस तरह की परफॉर्मेंस है बड़ी सर्जरी करने की ज़रूरत है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैंने कहा बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे कि जी बड़ा टफ कल का भी दिन था और आज का भी, सारे लोग ज़रा परेशान हैं, उदास हैं कल की उसकी वजह से। तो ये जो क्योंकि जी छोटे ऑपरेशन से काम चल जाएगा, मैं वैसे और क्योंकि जी अब छोटे से नहीं बड़े से चलेगा, सही है क्योंकि जी चेंजिंग होनी चाहिए, हम सारा महसूस करते हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जी अभी एक ओडीआई का वर्ल्ड कप था, उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी थी, ठीक है। उससे पहले एशिया कप था, उसमें एशिया कप में भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी जी। सारी परफॉर्मेंस में कभी आप कप्तान को चेंज करते हो, कभी आप कोचेस को चेंज करते हो, कभी आप किसी को चेंज करते हो, रिजल्ट सेम है। मेरे ख्याल में कहीं हम ऑपरेशन गलत जगह पर तो नहीं कर रहे कि दर्द किसी और तरफ है तो ऑपरेशन किसी और तरफ का हो जाए। तो ये मेरे ख्याल में पहली चीज़ ये है कि उनको ये नोट करना चाहिए कि मैंने ऑपरेशन करना किस चीज़ का है, ये मेक श्योर होना सारों से ज़रूरी है। ये जो जिस ऑपरेशन की मुझे आ रही है ना खुशबू आ रही है कि जो ऑपरेशन होगा, ये ऑपरेशन मुझे कोई पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक हुए हुए 34 साल हो गए, 34 साल से ये वाला ऑपरेशन हो रहा है, मैं बड़े और छोटे तरीके से देख रहा हूँ, तो ये ऑपरेशन से कोई नतीजा निकला नहीं है वैसे। क्योंकि जी अब ये देख लेंगे कि जी खामी कहाँ है, क्योंकि जी इंप्रूवमेंट किधर आने की जरूरत है। उन्होंने मीडिया से बात की है ना, उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि अब टाइम आ गया है कि हम नए टैलेंट को मौका दें, तो मुझे लगता है अब आइडेंटिफाई होना शुरू हो गई है। बहुत पुराना फिक्रा है कि जी अब नया टैलेंट आएगा, सारी चीज नहीं आएगी, ये बड़ा पुराना फिक्र है। मैं आपको किसी और तरफ तवज्जो दिलवा रहा हूँ, ये सब ठीक है, सही है, क्योंकि जी नया टैलेंट आना चाहिए, ये तो बिल्कुल एक ऑब्वियस सी लाइन है, क्योंकि जी ये प्लेयर नहीं है कि जी नए प्लेयरों को लेके आओ, नए दूसरे प्लेयरों को लेके आओ, तो ऑपरेशन यही हुआ ना जिस तरह मैं कह रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि शायद दर्द इधर ना हो, प्रॉब्लम इधर ना हो, तो प्रॉब्लम कहीं और हो। अब मैं उसको एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, सलीम भाई भी शायद मेरा उसकी तायद करें। अब है ना सारी चीज़ों का मसला ये है कि जी हम एक एकेडमी को देख लेते हैं, एकेडमी में मुझे ये बताओ कि जी कौन सा कोच वर्ल्ड क्लास कोच है क्योंकि जो यहाँ प्लेयर्स को तैयार कर रहा है, क्योंकि जो हमारे जूनियर्स प्लेयर्स तैयार होके आ रहे हैं वहाँ कौन सा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जिसने जो तीर मार रखे हैं, शाहिद अनवर है जो वो हेड कोच आपने लगा रखा है, मुझे बताएं कि जी किस चक्कर में आपने उसको हेड कोच लगा रखा है, वो क्या उसका क्या एक्सपीरियंस है जो आपने लगा रखा है। आप एकेडमी के कोचेस जाके देखें, आप है ना जो उनसे अपनी एसोसिएशन के कोचेस जाके देखें कि जी वहाँ से प्लेयर क्या सीख के आ रहे हैं, फील्डिंग कोच देख लें आप, सारी चीज़ें देख लें। कोई जिस टाइम भी आप कोई ऑपरेशन करते हैं ना, क्योंकि जिस टाइम आपकी कोई बुरी परफॉर्मेंस होती है, जज्बाती होना अपनी एक जगह है, वो जिस तरह हमारे प्रोड्यूसर साहब रात को जज्बाती थे कि आपने भी कह रहे थे कि जी खुदकुशी ना कर लेना, वो एक अलहदा बात है, लेकिन जिस टाइम आप टेबल पे बैठते हैं ना संजीदा होके, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि कहाँ है। आप मुझे ये बताएं कि जी जितने भी ये आपके रीजन हैं, इनके जो उनसे कोचिज हैं, एक वर्ल्ड क्लास कोच दिखाएं मुझे,
मैं ऑस्ट्रेलिया में गया जिसकी हम मिसालें देते हैं कि जी ये टीम ऐसी है। मैं एडिलेड में गया तो वहां ग्रेग चैपल कोचिंग कर रहा था। मैं ब्रिस्बेन में गया, जाके ब्रिस्बेन का रन कर रहा था, बैरी रिचर्ड रन कर रहा था, ठीक है। कहीं और जब ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम आई, उसके साथ एलन बॉर्डर कोच आया। आप ये देखें कि जी आपके जो नीचे लोग सिखाने वाले हैं, जो सारी चीजें करने वाले हैं, अगर आपको ये एक महीने के बाद आपको नया टैलेंट याद आया, मैंने कहा कि जी आप इनसे सवाल करेंगे जिन्होंने एक महीना पहले रिटायर्ड प्लेयरों को टीम में जगह दी थी, आप उनसे सवाल करेंगे? अब आपको नया टैलेंट, ये तो आपको नया टैलेंट याद आ रहा है? एक महीना पहले आपने जो लोग दो दो साल हो गए थे क्रिकेट छोड़ के जा चुके थे, आपने उनको बुलाया, उनको किसने बुलाया? उनसे तो पहले सवाल करो। अगर आज नए प्लेयर हैं तो मैं इसलिए ये वाली चीज कह रहा हूं कि जी जो आपने ऑपरेशन करना है ना, जो जगह खराब है उसी को ही काटना। ऐसा ना ऑपरेशन कर देना कि जी जो सही जगह वही कट जाए। तो ये सारे टाइम है ना जो ऑपरेशन हो रहा है, ये मैं जैसे 99 का वर्ल्ड कप से भी हम फाइनल हारे थे तो आए थे कि जी ऑपरेशन हो गया था। तो मैं अपने चेयरमैन साहब से ये वाली रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने कहा कि जी जरूर ऑपरेशन करें, बिल्कुल ऑपरेशन की जरूरत है। बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट सही है, मैं 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जी ऑपरेशन है ना सही जगह का करना। इनसे भाई ये बात ठीक है, सलीम भाई आपकी तरफ आना चाहूंगी। इनसे भाई का मुतालबा बिल्कुल सही है कि जहाँ से हमें टैलेंट मिल रहा है, आपने वहाँ जो कोचेज लगाए हुए हैं उनको तो आप ठीक करें, वो तो देखें कि आपने किस लेवल के कोचेज लगाए हुए हैं, लेकिन मुझे ये बता दें कि उस छोटे लेवल पे काम कौन करना चाहता है? हमारे सारे फॉर्मर क्रिकेटर जो टीवी पे बैठे हुए हैं, उनको जब बुलाया जाता है पीसीबी तो वो काम नहीं करना चाहते पीसीबी के साथ। ये गलत है, मैं जानती हूँ, कुछ नामों को मैं यहाँ लूंगी नहीं सलीम भाई। ये गलत हो सकता है, कुछ नाम हमारे से निकलवाई जा रही है, खुद नहीं ले रही आप अपनी लाइन सीधी रखें। नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात कह दी है इसमें, जो इनजी बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी गौर तलब बात है। पिछले 5 साल से इस चैनल के साथ मुंसलिक हूँ और मैं ये जो इंजी ने बात की है ना, मैंने कुछ प्लेयर्स के नाम भी लिए थे, जैसे इंजी ने नाम लिए ना अभी कुछ प्लेयर्स के, कुछ के मैं रह गए थे इंजी, उनको एज ए कह लें कि मरवत में उनके नाम नहीं लिए। अब मुझे बताएं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जहाँ से आपके प्लेयर्स निकल रहे हैं अंडर 19, जैसे इंजी ऑलरेडी मैंशन कर चुके हैं, कौन चला रहा है? जुनेजिया, उसका क्या एक्सपीरियंस है मुझे बताएं? वो हमारी टोटल डोमेस्टिक क्रिकेट वो चला रहा है। तो जहां से आपके प्लेयर निकलने हैं वो जुनेजिया साहब चला रहे हैं। आप आजम खान को रोते हैं कि वो बाहर क्यों नहीं हो रहा, डायरेक्टर एकेडमी कौन है? एक टेस्ट मैच, आधा वनडे, आप देखें ना। अभी इंजी ने मेंशन किया कि ग्रेग चैपल और बॉर्डर और बैरी रिचर्ड कह रहे थे, जी। हमारे यहाँ कौन कह रहा है? जिनको कभी पाकिस्तान टीम में जिनकी जगह ही नहीं बनी थी वो आपके रन कर रहे हैं एकेडमी जहाँ से करीम निकलनी है। इंजी ने अभी कहा था ना कि दवाई गलत ना, देखें कोई बंदा ना हकीम के पास चला गया, उसने कहा जी मेरे पेट में दर्द है, उसने उसको आंखों के ड्रॉप्स दे दिए, उसने कहा तेरा पेट नहीं खराब, तेरी आंखें खराब है क्योंकि तू जली हुई रोटी खा रहा है। तो बात ये है कि आपको ऑपरेशन जो करना है ना, ये देखें हमें क्या नज़र नहीं आया पिछले वर्ल्ड कप से हम लोगों की परफॉर्मेंस नहीं देख रहे? इन 4 सीरीज में देख लें कि परफॉर्मेंस क्या है, इस वर्ल्ड कप में देख लें क्या हमने टीम सेलेक्ट की है।